हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपाली। फ्लेवर्स ऑफ किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं व्रत में खाए जाने वाला बहुत ही टेस्टी सा सिंगाड़े के आटे का हलवा। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और आप इसको किसी भी व्रत में बनाकर खा सकते हो। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं सिंगाड़े के आटे का हलवा। तो इसके लिए हमने जो जो सामान लिया है वो देख लेते हैं। एक कप हमने लिया है सिंगाड़े का आटा। आप चाहो तो सिंगाड़ा बाजार में मिल जाता है साबुत, उसको लाकर घर में भी पीस सकते हो, नहीं तो बाजार में आपको रेडीमेड सिंगाड़े का आटा मिल जाता है। एक कटोरी आटा लिया है हमने, एक कटोरी ही चीनी ली है और कुछ हमने लिए हैं कोकोनट को हमने कद्दूकस कर लिया है, साथ में बादाम लिए हैं, किशमिश है, चिरौंजी है, ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद का ले सकते हो। साथ में एक कटोरी ही मैंने देसी घी लिया है और तीन कटोरी हमने पानी लिया है। जिस कटोरी से हमने आटा लिया है उसी कटोरी से तीन कटोरी पानी लिया है। इसका हम शुगर सिरप बनाएंगे। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं सिंगाड़े के आटे का हलवा। मैंने गैस पे एक कढ़ाई रख दी है और इसके अंदर मैं एक कटोरी देसी घी डाल दूंगी। जितना अच्छा हम इसमें देसी घी का इस्तेमाल करेंगे हमारा हलवा उतना ही अच्छा बनेगा। अब हम इसके अंदर डाल देंगे एक कटोरी आटा सिंगाड़े का और इसको बिल्कुल हम लो फ्लेम पे भूनेंगे। बिल्कुल हमें इसे स्लो स्लो भूनना है और जैसे इसका कलर ब्राउन हो जाएगा और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी हम इसको तब तक भूनेंगे। इतने हमारा आटा भून रहा है, इतने हम शुगर सिरप बना लेते हैं। ये मैंने तीन कटोरी पानी लिया है, जिस कटोरी से हमने आटा लिया था उसी कटोरी से हमने पानी लिया है और इसमें हम एक कटोरी चीनी डाल देंगे। आप चाहो तो हलवे में भी चीनी और पानी ऐड कर सकते हो, पर शुगर सिरप बनाने से हलवा जल्दी बन जाता है। जैसे चीनी घुल जाएगी और इसमें एक उबाल आ जाएगा हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हलवे को हम लगातार चलाते रहेंगे। धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगा है, इसमें से एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल स्लो ही रखना है। फ्रेंड्स देखिए, हमारा आटा बिल्कुल भून गया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हमने जो शुगर सिरप बनाया था धीरे धीरे वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये काम आप थोड़ा सावधानी से कीजिएगा और इसे हम लगातार मिलाते चले जाएंगे। आप देख रहे हैं एकदम ही गर्म पानी डालने से हलवा एकदम ही गाढ़ा होने लग गया है। अब इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हलवा धीरे धीरे गाढ़ा होने लग गया है और साइडों से हलवे ने घी छोड़ना भी शुरू कर दिया है। इस टाइम पे हम इसमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, कोकोनट, किशमिश, थोड़े से बादाम और चिरौंजी। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हो और हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारा हलवा बिल्कुल बनके तैयार है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा हलवा हमारा बना है सिंगाड़े के आटे का। बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। फ्रेंड्स इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी ड्राई फ्रूट। और साथ में बादाम, देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में ही। अगर आपको सिंगाड़े के आटे के हलवे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, अपना फीडबैक और कमेंट जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय।